हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मोनू सागर और आज आपके लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ। नया वीडियो जो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है मिसिंग। यदि आपके पास, मेरे पीछे एक रॉयल इनफील्ड है, इसके अंदर एक मिसिंग प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर टैंकी के अंदर पानी जा रखा है और ये पानी जाता क्यों है, क्या क्या कारण है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको शायद इससे थोड़ी हेल्प मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये पानी की सफाई करी जाती है फ्यूल टैंक से। तो सबसे पहले मैं इसका टैंक बाहर निकाल लेता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले सीट के दो बोल्ट को देखते हैं। 12 नंबर की चाबी है मेरे पास, देख सकते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने दोनों बोल्ट खोल दिए हैं सीट के। अब मैं सीट को उठाता हूँ। अब मैंने सीट खोल दी है। अब सीट के टैंक के दो बोल्ट हैं, आइए देखते हैं कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर आपको दो बोल्ट नज़र आ रहे थे, अभी मैंने दिखाए थे। अब इनको खोल लेता हूँ मैं जल्दी से। तो देखेंगे, ये दो बोल्ट मैंने खोल दिए हैं और ये 10 नंबर की चाबी से खुलते हैं। ये टूल किट के अंदर भी 10-12 की चाबी दे रखी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका टैंक बाहर निकाल लेता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ टैंक बाहर निकाल दिया है। अब इसके अंदर से पेट्रोल और पानी दोनों बाहर निकाल लें। तो आइए कैसे करना है देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे मेरे पे एक 5 नंबर की एल की है, दिख रहा होगा आपको मेरे यहाँ पर। इसकी मदद से मैं पेट्रोल टी खोलता हूँ। तो यहाँ मैंने ये दो बोल्ट हैं इसके खोल दिए, एल की बोल्ट बोलते हैं इनको। ये दोनों को मैं नीचे रख देता हूँ। ये पेट्रोल की बाहर निकाल दी मैंने। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा मैंने पेट्रोल टी उतार दी है, पेट्रोल टी खोल दी है। अब इसके अंदर जो फ्यूल है और पानी है, इन दोनों को अलग करना है। तो आइए सबसे पहले मैं पेट्रोल को एक जेरिकैन में डाल लेता हूँ, इसके बाद कैसे करते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, मैं एक डब्बा लेकर आया हूँ, आप अंदर से देखते हैं, इसको साफ़ कर रखा है। अब जो टैंक का फ्यूल है वो सब मैं इसके अंदर डालता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर पानी है या नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा है कि अभी तक मैंने पेट्रोल जो है डब्बे में जार के अंदर निकाल दिया है। अब मैं इसको नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये फ्यूल है इसका पेट्रोल। अब इसको मैं एक बोतल के अंदर रखता हूँ, उसके अंदर देखते हैं कि पानी और पेट्रोल कैसे अलग होता है। तो जब तक आप बने रहिए मेरे साथ,
देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर एक मैं बोतल लेकर आया हूँ एंड एक केक है मेरे पास। अब ये पेट्रोल जो है इसके अंदर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा आप इसका कलर देख रहे होंगे इसी से पता चल जा रहा है कि ये पानी इसके अंदर वाटर मिक्स है, फ्यूल के अंदर वाटर मिक्स हो रखा है। एंड थोड़ा देर में आपके सामने यहाँ रख देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद देखिए इसका दोनों का यहाँ देखिए चेंज होने लग रहा है कलर। पेट्रोल यहाँ से ऊपर है और पानी नीचे, जितना देर ये बैठेगा पानी नीचे बैठ जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ी देर आपके सामने इसको देखते रहिए। तो दोस्तों देख रहे होंगे आपकी पेट्रोल अलग हो जा रहा है और पानी नीचे बैठता जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, मेन टॉपिक है कि ऐसा होता क्यों है। या तो पेट्रोल पंप से आता है या जब हम गाड़ी वॉशिंग कराते हैं तब ऐसा होता है। देखिए काफ़ी नीचे तक का पहुंच चुका है पानी और पेट्रोल आधा आधा लगा हो चुका है। अब इसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, गाड़ी खिंचाई नहीं कर पाती। जो पावर थॉट जो थॉटल उसको मिलना चाहिए उतना थॉटल उसको नहीं मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये पानी जाता कैसे है, तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा होता क्यों, पानी टैंकी के अंदर जाता कैसे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी तरफ से ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जाता है। तो यहाँ कंपनी ने एक पाइप दे रखा है ओवरफ्लो का। यदि यहाँ पर जो गैप है ये गैप दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर वाटर जाता है, गाड़ी हमारी बारिश में खड़ी है तो यहाँ पे पानी रुकता है और वो पानी अंदर चले आता है। अगर एक वो ये छेद अगर बंद है तो पानी जो है टैंकी के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। इसको चेक करने का तरीका है कि यहाँ से फूंक मार के देख लीजिए, जो एयर है इसकी इस पार से इधर आनी चाहिए। तो मैं अब फूंक मार के चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक का इसी के अंदर फॉल्ट है, ये बंद हो रखा है। तो आइए इसको साफ कैसे करना है, साफ करने का तरीका देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं टैंकी के दो बोल्ट हैं इन दो पेचों को खोल देता हूँ। सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पेच है, एक सुराख दे रखा है जो बंद हो रखा है अभी। अब मैं इसका दूसरी साइड से हवा मार के देखता हूँ, हवा पास होती है या नहीं होती है। तो अभी हवा पास नहीं हो रही है। मैं सर्विस सेंटर पे जाता हूँ और यहाँ पर प्रेशर मार के इसको साफ करके आता हूँ, या वायर का, एल्युमिनियम वायर या स्टील वायर का उपयोग करके इसको साफ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ धुलाई वाले के यहाँ के इसके अंदर प्रेशर मार के आता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं टैंक साफ करके ले आया हूँ, वो पाइप जो ब्लॉक हो रखा था उसको मैंने खोल दिया है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा पेट्रोल है मेरे पास, इसको ऊपर से डाल के नीचे देखता हूँ पेट्रोल नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे निकल रहा है नीचे से पेट्रोल, तो ये छेद साफ हो चुका है। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो आइए फिट कैसे करते हैं देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पेट्रोल टैंक का ढक्कन लगा दिया है, पेट्रोल टी लगा दी है। अब इसको फिट करता हूँ, आइए देखते कैसे फिट करना है। पेट्रोल टैंक बिठा दिया दोस्तों मैंने। अब इसके जो ये दो बोल्ट दे रखे हैं, इन दोनों बोल्टों को मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम सीट फिट कर लेते हैं। ये सीट के दो बोल्ट हैं, इनको मैं लगा लेता हूँ। ये 12 नंबर की चाबी है, 12 नंबर की चाबी से मैं इसके सीट के बोल्ट टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने सीट टाइट कर दी है, अभी जो मेन काम रह गया है कार्बोरेटर से पानी को बाहर निकालना। तो आइए देखते हैं कि कार्बोरेटर से पानी बाहर कैसे निकाला जाता है, क्या करना होता है। तो आइए दोस्तों मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर से ये वाला पेच खोल के हमने पानी बाहर निकालना है। तो इसके लिए मैंने ये साफ पहले ही कर दिया था, सॉरी दोस्तों दिखा नहीं पाया मैं आपको, पर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बैटरी लॉक खोल लेता हूँ, इसका बॉक्स बाहर निकाल दिया मैंने, एंड देन बैटरी थोड़ा आउट कर लेता हूँ। बैटरी एक साइड कर ली है, अब इस बोल्ट को खोलना है। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखना पानी गिरेगा, हो सकता है मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने निकाल दिया है, मैं आपको सही से दिखा नहीं सकता पर आपको यहाँ दिख रहा होगा जो पानी है मेरे हाथ में चिपक गया है। एंड यहाँ कार्बोरेटर साफ हो चुका है, अब मैं इसको दोबारा फिट कर देता हूँ। अभी हमारे पास जो पेट्रोल मैंने बोतल में रखा था उसके अंदर आधे में पानी था और आधे में पेट्रोल था, तो इसको दोनों को अलग करना है। तो अलग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा था कि मेरे पास इसमें आधे में पानी है और आधे में पेट्रोल है, पानी भारी होता है इसलिए बोतल में नीचे बैठ जाता है। इसी तरह हम टैंकी में डालेंगे पानी तो पानी नीचे आ जाएगा और जल्दी कार्बोरेटर में जाएगा और मिसिंग जल्दी करने लगती है, इसीलिए ये मिसिंग की प्रॉब्लम इसीलिए आती है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि ये पानी अलग कैसे करना है पेट्रोल में से, तो देखते रहिए वीडियो को। अभी देखिए पेट्रोल ऊपर आ गया है, पानी नीचे चले गए। तो दोस्तों देखेंगे अभी, जैसे मैंने पानी अलग कर दिया है ये सिर्फ पेट्रोल है, इस पेट्रोल को आप टैंकी में डाल सकते हैं। देखिए एक एक बूंद भी नहीं है, एक ड्रॉप भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल साफ हो रखा है, इसको मैं टैंक में डाल सकता हूँ। मेरे से भी डाल दिया पानी।
तो अभी मैंने ऊपर से पेट्रोल डाला था, यहाँ निकलने लगा है। अब मैं ये पाइप लगा देता हूँ। अब पेट्रोल यहाँ से निकलने लगा है, देखिए। अब इस पेज को टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखा कितने आसानी से कर दिया, ये आप भी कर सकते हैं। बेटा मैं नहीं आऊँगा देखने के बाद। बैटरी फिट कर दी। अब गाड़ी को स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट थी पहले भी, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। गाड़ी ठीक ठाक है, चला के देखता हूँ ठीक ही होगी, क्योंकि मैंने मेन प्रॉब्लम दूर कर दी है और ऊपर से पेट्रोल भी नीचे आ रहा है। तो यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुँचाइए। यदि मेरा ये काम आपको पसंद आया हो तो इसमें मुझे थम्सअप दीजिए। एंड यदि आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे नए वीडियो मैं बनाते रहूँगा। जब तक नहीं, कीप वॉचिंग।